जॉनी वाह भाई वाह। मजेदार तो बहुत कुछ होने वाला है, बस चलते मेहनत करते हैं। एंड अभी लवी भी लोग हम लोग रास्ते मिलेंगे तो सब कुछ व्लॉग में आ ही जाएगा आगे। एंड अभी हर्ष थोड़ी देर में आता है भाई, सारा सामान उसमें उसके बैग में डालते हैं, फिर यहाँ से फटाक से निकलते हैं यार। एंड हाँ, आज मैं KTM निकालूँ काफी टाइम बाद भाई, क्योंकि उसके साथ बहुत टाइम हो गया, कोई लॉन्ग राइड नहीं की जब से मैं लद्दाख से ना। तो आज थोड़ा सा 80-90 किलोमीटर और आना जाना कम से कम 200 किलोमीटर के पास चलेगी, तो ठीक है चलनी चाहिए गाड़ी कभी कभी। चलो चलते हैं। तो भाई फाइनली अपन लोग आ गए हैं रोड पे, पीछे पीछे अपने हर्ष चल रहा है भाई, उसके पीछे एक बंदा बैठा हुआ है। एंड लवी भैया लोग हमको वही मिलेंगे जहाँ पे हम लोगों को एक बार, हम लोग जब अयोध्या जा रहे थे ना तब Z900 में थे अपन लोग, तो उस टाइम पे जहाँ मिले थे भाई, उस जगह का नाम मेरे को भी याद नहीं रहता, कानपुर में ही हूँ। तो वहीं मिलेंगे अपन लोग, मीटअप पॉइंट वहीं सेट हुआ हम लोगों का। तो बस पहुँचते हैं भाई जल्दी जल्दी वहाँ पर। वैसे भी कोई रैश राइड तो करने नहीं वाला, क्योंकि सबके पास छोटी सीसी की बाइक से लवी भैया ही बस लीटर क्लास बाइक लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं लेके जा रहा भाई। ये कोहरा आ गया भाई, सर्दियाँ आ गई, लेकिन अभी वैसी सर्दी नहीं आई, बट मेरे को जुकाम हो गया। अगर आपको आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन है तो जस्ट इग्नोर गाइस, जस्ट इग्नोर, ओके बॉइस। बाकी यार सुबह सुबह का भाई गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है, एंड ऊपर से आज संडे भी है तो भाई अलग ही मजे हैं बॉयज। लवी भैया, ये भैया शक्ल में क्या कर लिया आपने? ओ माय गॉड, माय जेडएक्स टेनर हैं, हर्ष कहां है? बस आ गए ये लोग। तो Z9 को बहुत मिस करूंगा। जॉनी जॉनी और रवि, कैसा मेरी जान? आरिजान भाई क्या हालचाल? तो भाई अपना पूरा ग्रुप आ गया यहाँ पे, मेरा वाला तरीका फॉर कैमरा। भाई लोग देख के परेशान हो गया है यहाँ पे। आज दिन ऑटो लेके नहीं आए, पेट्रोल के पैसे नहीं थे भाई, मेरा एक नुकसान हो गया भाई। जिनका कोई नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? रिंग तोड़ गया। अब पता नहीं गिरा कहाँ, एक रिंग उड़ गया इसका, इसमें ज्यादा उड़ान भरी है। अब कहाँ ढूंढू मैं? चलो भैया बढ़ाओ गड्डे। मुझे Z9 की बहुत याद आ रही, कसम मजाक नहीं कर रहा भाई, मम्मी कसम यार। लेकिन कोई नहीं यार, इसको भी चलाएंगे यार, ऐसा थोड़ी ना भाई, एक अच्छी आने के बाद पुरानी वाली को भूल जाएंगे ना, हम सबके साथ रहते हैं अच्छे से। एंड अपने बहुत सारे भाई लोग सारे आ रखे हुए भाई, अब बस जल्दी जल्दी पहुँचना। ये क्या था भाई? वैसे भैया कौन सी भगा ही देंगे, कौन सा ना हमको रेव लिमिटर सुनने को मिलेगा, या फिर हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा देखने को कि भैया पूरा फुल थ्रॉटल खींचते हुए लेके जा रहे हैं। अब ये लोग रास्ते में चलते हुए मस्ती कर रहे हैं, मैंने कैसे से खींच के भाई गाड़ी भगाते हुए लाया भाई। भाई आज टेरार को मैं KTM से हराऊंगा। KTM वर्सेस टेरार। हाँ भैया वो चैलेंज करते हैं। वाह भाई वाह, स्प्लेंडर से रेस हो गई भाई, अपनी इज्जत का सवाल है। अभी गाइस पीछे एक किया वाला एक बंदा था, बहुत गंदा कट मार के गया। हम लोग भाई 100 तक रेंज कर रहे थे गाड़ियों को, और वो सामने से कट मार कर गया। और जब मैं उसको जाके बोला कि भाई पागल आगा ले गया, ढंग से चला ले, तो उल्टा मुझे गाली देने लग गया। तो
चलो आगे अपने भाई लोगों सबको बताते हैं, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। भाई वो बंदा अब दिख तो नहीं रहा मेरे को दूर दूर तक, उसे समझ में आ गया होगा कि अगर ये आगे गया तो बंदे हैं इसके आगे। टेंशन मत ले मेरी जान, आगे मैं टोल प्लाजा है वहाँ मैं इसको रुकवाता हूँ। गाली किस बात की दे रहा था मेरे को सीधा। भाई देखा था ना कैसे कट मारा उसने भैया मेरे साथ में पुलिस वाला। भैया 110 में हम भग रहे थे एकदम, रोक ना पाते घुस जाते अंदर। कौन था वो किया वाला? ब्लैक कलर किया है उसकी। आज तो आज मिला मौका। ईजान कहाँ रह गया? वो हमको देख, भैया आपको देख के वो रेज हो गया एकदम, उसको लगा भगाए कटाएंगे, उसने मेरे सामने कटाई गाड़ी। कई लोग रास्ते में ऐसे हमने हाथ भी दिया टीचर करने लगेंगे। यही देखो भैया पुलिस वाला आया था, ये देखो। हाँ जब देखा था ये देखो वीडियो शूट कर रहे थे आगे आते हुए, हमने इसको साइड मिरर में देखा रहते हुए। अरे बहुत पूछता चल रहा है, मेरी एकदम से फट गई। मैंने बोला अगर अगली ब्रेक जोर से मारी तो मैं पक्का गिरा। कोई ना दिख जाएगा अभी। लवी भैया सुनो, एक सडन रेव कर दो, देखते बच्चों का रिएक्शन। अच्छा डर गया। चलो 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 सारे निकलो। तो भाई जो बंदा बकैती कर कर गया, जो पीछे ट्रायम्फ वाले बंदे अपने चल रहे थे स्पीड 400 और जो स्क्रैम 400 चल रही थी वो भी बिल्कुल बचे थे। स्क्रैम ने देखा था और T4 वो स्पीड 400 बची थी, वो भी जैसे मेरे साथ हुआ था। वो भले ही रिकॉर्ड नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चे लोग जो लड़के थे भाग गए, मतलब पीछे से ही भाग गए। हम लोग यहाँ 5-10 मिनट वेट किए उन लोगों का। लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती, लेकिन समझाया जाता उनको कि ऐसा मत करना अगली बार किसी और के साथ। और इधर कोई मंत्री मुंत्री जा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुलिस लगी देखी मैंने। इसलिए बोलते हैं कभी शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए आदमी को। लवी भैया लोगों, इन सब लोगों को लगा कि भाई उधर रोड बंद है तो उस तरफ से कोई जा नहीं रहा, तो बाइक वाले घुस गए और उधर रोड बन रही थी। अब बेचारे पूरे गंदे संदे हो गए, हम लोग बिल्कुल सेफ सुंदर सुंदर बन के निकल आए। मतलब मिट्टी नहीं लगी, सबसे अच्छी बात यह है अपन लोगों के लिए। भाई साहब इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना भाई, मैं दूसरे कैमरा शूट करवा रहा हूँ, मतलब फ़ोन से शूट करवा रहा हूँ। अपना कैमरे में जो बोल रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना ये मेरे हेलमेट से रिकॉर्ड हो रहा है। बट भाई क्या बताऊँ भाई साहब, इतना भयानक ट्रैफिक लगता है ना भाई इस जगह पे। बस एक यही रीज़न है भाई मेरा लखनऊ आने का भी मन नहीं करता जल्दी। मतलब मैं सोचता हूँ लखनऊ आने का अगर मेरे को मौका मिल गया, मतलब कि अगर कुछ काम पड़ गया कि लखनऊ आना पड़ रहा है मेरे को, तो भाई मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई कुछ बहाने मार लो कुछ कर लो, बट लखनऊ मत जाओ बस। फाइनली भाई हम आ गए सामने लखनऊ एयरपोर्ट के। यहाँ पे भी थोड़ा कोहरा सा दिख रहा है। यहाँ पे भाई एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं भाई बढ़िया बढ़िया, एंड ट्रैफिक से भाई निजात मिल गया हम लोगों को। लेकिन हमारे लौंडे लोग सब आगे भाग गए हमको छोड़ के, और ईजान भाई का तो पता ही नहीं भाई कितना पीछे है वो। तुम क्या बोल रहे थे, खाने का भी लेकर आया हुआ था ये? और भैया एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही भैया, भैया लो भैया एक चीज क्वेश्चन है आपसे। अरे भैया सुनोगे, एक क्वेश्चन आपसे, हम लोग पीछे भी रुक सकते थे, इधर इतना अच्छा शोरूम बना हुआ है, आपने घास के सामने क्यों खड़ा कर दिया कि हम लोग देख ना पाए? भैया हमको ये बोला था ना ज्यादा ऊपर मत उड़ो, क्या पता तुम देख कर ही बोलो चलो भैया चलते हैं अंदर। और बोल देगा कि एक बार टेन आ रहा है तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई प्रीमियम कस्टमर है, इसको थोड़ा अच्छा करते हैं, अपन लोग इनके साथ अच्छा सा व्यवहार करेंगे तो क्या पता खरीद ही ले हम लोगों से। और सब लोग टेस्ट राइड, और टेस्ट राइड ऐसे नहीं कि भैया एक ही बंदे को, सब बोले भैया हमको अलग गाड़ी चाहिए, टेस्ट राइड लेने चलना है भाई। भैया टेन आर लेते रहो, सबको टेस्ट राइड मिल जाएगी गारंटी। वो ब्रांड पढ़ो पहले, क्या लिखा? जैगुआर यार। लेकिन जैगुआर का भैया एक क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैगवार का नया लोगो देखा आपने? हाँ। आपको लगा नहीं क्या मजाक कर दिया इन लोगों ने? कुछ फील हुआ ऐसा? कुछ फील नहीं। अरे जैगवार का साइन था जो वो जैगवार दिखता था, जो जानवर था ना वो जैगवार, अब वो हटा के सिर्फ जैगवार लिखा वाला हो गया है। बिल्कुल। और सारी जितनी पेट्रोल डीजल जितने वेरियंट आते हैं सब बंद करके बीजी लॉन्च करेंगे। भैया नैनो का भी नया मॉडल देखा कितना सस्ती आ रहा है भाई, वो भी 2,30,000 है भैया।
मैं तो बोलता हूँ सब लोग सुपर बाइक छोड़ के भाई सब लोग वही कार ले लाइन से जा करिए। तीन चार पांच गाड़ी हो चार सिलेंडर वाली क्या गजब आवाज आएगी। अरे संडे राइड भी थी हमारी लास्ट संडे को। बहुत सारी मल्टीपल बाइक्स थी। तो भाई लोग अब ज़्यादा दूर नहीं अपना प्लासियो मॉल, सब लोग रेडी हो गए बस पहुँचते हैं एंड बिल्कुल टेनार के पीछे खड़ा हूँ, देखता हूँ भाई कैसे ऑन होती है गाड़ी। आवाज़ सुनेंगे भाई बिल्कुल क्लोजअप में साउंड सुनेंगे इसका, बढ़िया साउंड। मैं ही पीछे खड़ा हूँ हर, जल्दी आओ दे। लड़की जा रही थी भैया ने खींची बढ़िया से, मैं क्या खींचू भैया देख। जॉनी भाई सच बता रहा हूँ यार, मैं अभी खाली चल ही रहा हूँ तो भाई मेरे दिमाग में सोच आई कि देखो इस धरती में ना तीन टाइप के राइडर्स होते हैं। पहला जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके चल रहे होंगे बाइक लेके, दूसरे जो गाने सुनते हो, तीसरा कि अगर मैं इस गाड़ी से आगे नहीं निकला तो मैं गे। इस टाइप के तीन राइडर्स होते हैं, बाकी हम लोग यहाँ नीचे उतरना है। पीछे पुलिस आ गई है सजने फोटो भेजो हम धीरे धीरे निकाल रहा फोटो धीरे धीरे निकाल निकाल दिया। अंदर आने के बाद ना भाई मज़ा तो बहुत आया, बस सीन ओसो का थोड़ा ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन जब पुलिस आ गई थी ना मुझे लगा भैया के ऊपर 5-10,000 रुपये का बस चूना चिपक गया। क्यों भैया आपको भी लगा ना? मेरा कैमरा ऑन था, मैं सोचा मैं, लेकिन एक बार खुश हुआ था भैया पूरा मत मानना। मैं बस एक चीज़ को लेकर खुश हुआ था कि आज मैं सीन ओसो नहीं लेकर आया, आज मेरा चलान नहीं कटेगा, तो इस बात की थोड़ी खुशी हो गई थी। बाकी सारी बंदे लोग पीछे आ रहे हैं, हम लोग चलते भाई ऊपर, थोड़ी देर मौज मस्ती करते, घूमते फिरते, खाते पीते और इवेंट को एंजॉय करते। चलो बॉयज, मतलब भूख कंट्रोल ही हो रही है और सभी के सभी भुखड़ यहाँ पर आ गए हैं। सबसे बड़ा भुखड़ ही है, सुबह भी इसने खाया ठीक है, अभी फिर खाएगा और नमकीन रास्ते में लेकर आया था तो सबसे ज़्यादा इसने खाया था, तो भूख बहुत तेज लग रही है तो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं। एंड हमारे बिजनेसमैन ने बढ़िया जुगाड़ लगाया, बंदे ने बोला कि 130 रुपये दो सौ, बंदे ने बोला 100 का करो, 15 बंदे आ रहे हैं तो बंदा खुश हो गया, बोलते हैं कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री भी दे दूंगा। चलो ठीक है, सस्ते में काम निपट गया, चलो खाते पीते हैं, चलो फिर खाते हैं फिर आगे का देखते हैं भाई। एंड इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक राइड से फैन बाय।